जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। और आज जो नोटिफिकेशन निकल के आ रही है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, SSC की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि SSC JEE की वैकेंसीज फाइनली रिलीज़ कर दी गई है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट आती है जिसमें। तो इस वीडियो हम फुल डिटेल से जानने वाले हैं क्या ऑफिशियल डेट रखी गई है, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, एप्लीकेशन की फ़ी क्या रहेगी, क्या एज लिमिट रखा गया है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एंड इस पोस्ट पे आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, इन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जल्दी से आप लास्ट तक देखिएगा एंड तक, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। SSC JEE की जो रिक्रूटमेंट है वो SSC के थ्रू ही होती है। SSC जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकालती है जिसमें सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2024-23 की रिक्रूटमेंट है, तो अगर इसमें आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो 26/7/2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो 16/8/2023 रहेगी लास्ट डेट। ठीक है, एंड आप इसकी जो फी पेमेंट है वो 16/8/2023 लास्ट आप 5 बजे तक इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, एंड करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 17 और 18 अगस्त 2023 को ओपन होगा। अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आप उसके लिए 17-18 को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल से कंटिन्यू रहे, जुड़े रहे साथ में। ठीक है, एंड इसकी जो अप्लाई करने की ऑफिशियल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके आप सभी अप्लाई कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले हम सभी तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रहेंगी, एंड SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए जो है 0 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो किसी भी माध्यम से, क्रेडिट कार्ड से, फ़ोनपे से, या फिर कोई भी UPI ID से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड एज लिमिट की बात कर ले इसमें 16/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी, मिनिमम एज जो 21 वर्ष रखी गई है, एंड मैक्सिमम जो एज है 32 ईयर्स एज रखी गई है। ठीक है, एंड कुछ पोस्ट पे जो है आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है, एंड जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर ले तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकल के आती है जो कि 1324 वैकेंसीज निकल के आती है। SSC हर साल अपनी वैकेंसी को अब डिक्रीज ही करते हुए जा रही है, तो आपके पास जो है बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज अब आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 3000 के आसपास करीब वैकेंसी थी, अब 3000 से आप देख सकते हो सीधा 1324 वैकेंसी पे, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। UR कैंडिडेट्स के लिए 613 वैकेंसी, EWS के लिए 121, OBC के लिए 288, SC के लिए 206, एंड ST के लिए 96 वैकेंसीज है। ठीक है, आगे हम डिपार्टमेंट एंड ट्रेड्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है BRO में निकली हुई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज है। इसी 1326 वैकेंसी में सभी डिफरेंट डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट में वैकेंसी डिवाइडेड है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड सब डिपार्टमेंट की जो है कट ऑफ सेपरेट निकलेगी। ठीक है, जिस कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे देन उसमें आपकी सिलेक्शन होंगे। ठीक है, कट ऑफ सिलेक्शन से पहले आपसे जो है डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस पूछा जाएगा, प्रेफरेंस की फॉर्म निकलेंगी, उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किन से कौन से डिपार्टमेंट को देना चाहते हो। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, बी या बीटेक या फिर जिसने भी इस रिलेटेड से डिप्लोमा कर रखा है प्लस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो ईजिली। ठीक है, BRO में है केवल जो है मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सभी पोस्ट में जो है सभी डिपार्टमेंट में फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो वैकेंसीज है इसमें निकल के आती है CPWD में, इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज है, इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा इस ट्रेड से जिन्होंने भी कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जॉब लोकेशन की बात कर लूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट्स के जो है वर्क होते हैं, काम चलेंगे आपको वहाँ पे
भेजा जाएगा। ठीक है, अगली जो वैकेंसीज है ये भी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में वैकेंसीज निकली हुई है, तीनों ही पोस्ट पे वैकेंसीज है। इसमें भी आपसे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा हुआ, आप यहाँ देख सकते हो इजिली सभी में। ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन जिस भी ट्रेड से आपका है डिप्लोमा आप उसमें इजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप सभी देख सकते हो, इसमें जो आपका स्पेशल जो है डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है क्योंकि सभी के पास ये टेक्निकल डिग्री नहीं होती है रैदर देन अदर SSC की वैकेंसीज है। ठीक है, अगर हम इन हैंड सैलरी की बात कर ले तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है सभी, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें सैलरी आपको Level 6 एंड Level 7 के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको पर मंथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर विद एक्स्ट्रा अलाउंस मिला दे तो आपकी जो सैलरी इन हैंड 50,000 से प्लस बैठती है, एंड जैसे जैसे आपका डिपार्टमेंट में टाइम होता जाएगा सैलरी आपकी हर साल इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, एग्जाम प्रोसेस की बात कर ले, इसमें दो एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एक Paper 1 और एक Paper 2, जो फर्स्ट यानी Tier 1 की तरह ही है एंड सेकेंड जो है Tier 2 होता है। दो एग्ज़ाम्स के बेस पे आपका जो सिलेक्शन होना है, Tier 1 जो है 200 मार्क्स का आपका करवाया जाता है एंड Tier 2 जो है वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसका हम सिलेबस देख ले तो मैंने फुल डिटेल सिलेबस जो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, इसकी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हो। ठीक है, Tier 1 हम देख ले इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का होता है एंड जनरल अवेयरनेस यानी GK GS के 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होता है एंड थर्ड जो होता है आपका आपका जो रिलेटेड ट्रेड्स है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे उससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर सिविल ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो सिविल ट्रेड के 100 क्वेश्चन होंगे, अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के क्वेश्चंस होंगे, अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो तो उसके 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो आपको जो है 2 आवर्स मिलेगा आपको एग्जाम्स देने के लिए। जो एग्जाम्स रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जो कि पेपर पेन मोड नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे आपके 4। ठीक है, एंड उसका एक करेक्ट आंसर होगा जो आपको सही लगेगा आपको टिक करना होगा। एंड जो भी स्पेशल कैंडिडेट्स हैं फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, उनको 40 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिला करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम Paper 2 की बात कर ले हम सभी, तो Paper 2 आपका जो है 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का रहेगा एंड 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। 2 आवर्स का टोटल आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा। इसमें जो कंप्यूटर रहेगा ये भी आपका ऑप्शनल बेस्ड एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें जो है 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप केवल और केवल ट्रेड से ही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ना ही इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, ना ही GK GS पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो उसी ट्रेड से आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं पेपर यानी Tier 2 में। ठीक है, Tier 2 जो है टोटल Tier 1 और Tier 2 मिला के जो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट करवा जाएगा, देन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी इसी 500 मार्क्स में से। जो भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी, देन आपकी जो फाइनल वहाँ पे सिलेक्शंस होगा पोस्ट पे। तो आई होप ये सारी डिटेल्स थी, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।